चल रहा तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गैसेस के बारे में, कुछ कुछ बेसिक सा फीचर, ठीक है? याद आ रहा है? आज हम पढ़ने वाले हैं उसी से हाँ रिलेटेड कुछ लॉज। एक ऐसा लॉ पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के बारे में। तो जो साइंटिस्ट इसके बारे में बताए थे उनका नाम था बॉयल्स, है ना? और इसी के नाम पे पढ़ा हुआ बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ा? बॉयल्स लॉ। ये क्या कहता है, लिखना पड़ेगा तुम लोगों को मेरे साथ। ये कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड द एक मिनट द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। अगर मैंने फिक्स्ड अमाउंट लिख दिया, इसका मतलब मोल भी फिक्स कर दिया हमने। बताओ, अमाउंट को हम किस में देखते हैं? मोल में, ठीक है? तो मैं इधर लिख देता हूं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। हमने नंबर ऑफ मोल्स भी क्या किया है, फिक्स कर दिया, यानी ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट मोल पे ऑफ गैस वैरीज इनवर्सली इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम, विथ इट्स वॉल्यूम। बताओ, कोई दिक्कत? दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ। बताओ, कोई दिक्कत? यानी बॉयल कहना चाहता है नहीं कि जब आप तापमान, टेम्परेचर और मोल को फिक्स कर दोगे किसी भी गैस का, तो उसका जो प्रेशर है वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखें, बताओ। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताया था, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, याद आ रहा है? और मैंने बोला था हर जगह मैं यही यूज करने वाला हूं इस चैप्टर में, लगभग बताया था कि नहीं बताया था? तो इससे भी यही रिलेशन निकल के आता है प्रेशर और वॉल्यूम का। देख रहे हो, पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी इंटू आर टी, है ना? तो प्रेशर और वी का इनवर्स रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहां से भी? यस। चलो फिर आओ देखते हैं। तो इन्होंने जो बताया था उसको हम कैसे देखने वाले हैं, मैथमेटिकली। कैसे देखेंगे? मैथमेटिकली देखते हैं, समझते हैं क्या क्या इन्होंने बोला, कैसे कैसे इन्होंने बोला। तो मैथमेटिकली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि गैस के कुछ वेरिएबल्स हैं, गैस वेरिएबल। कौन कौन सा है गैस वेरिएबल? तुम बोलोगे गैस वेरिएबल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल, करेक्ट? ये सब चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया, इन दोनों को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। और उसके बाद बॉयल साहब ने बताया कि जैसे ही आप इसको कांस्टेंट करते हो तो रिलेशनशिप जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टी एंड एन। बताओ, कोई दिक्कत है? मैथमेटिक्स का मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो तुम मुझे ये बताओ, फिर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल्स टू के इंटू वन बाई वी, आया ना? जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यस और नो? तो मैं डायरेक्ट के बाई वी भी लिख सकता हूँ, के इंटू वन तो के ही हो जाएगा, के बाई वी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जहां पे के क्या है, ध्यान से सुनना, जहां पे के है, वेयर के इज गैस कांस्टेंट। क्या है? एक गैस कांस्टेंट। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है इस बात से? नो दिक्कत। अब ये गैस कांस्टेंट किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना। इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूं, ट्रिक। जो सब चीज कांस्टेंट है ना, उसी सब चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा। क्या मैंने बोला है? जो सब चीज आपने कांस्टेंट किया है उसी के ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। कौन कौन सा चीज कांस्टेंट किए थे? टेम्परेचर किए थे कि नहीं किए थे? अभी तो यानी ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या कांस्टेंट किए थे? और हमने मोल कांस्टेंट किया था, तो ये अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ गैस यानी मोल ऑफ गैस, यानी एन के ऊपर डिपेंड करेगा, टी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा थर्ड जो यूनिवर्सल फैक्टर है उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही है, तुम लोग भी बोलोगे हाँ, नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है? बताओ, इसमें कोई दिक्कत?
नहीं नो सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये P इज इक्वल्स टू के बाई वी, इसका कुछ फील नहीं आ रहा है ना, इसका कुछ फील नहीं आ रहा है, तो आओ इसका थोड़ा फील लेते हैं, फील लेके देखे क्या, हाँ सर। थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं फील, ध्यान से सुनना सभी लोग। ये एक बर्तन है, ये क्या है, एक बर्तन है, बर्तन इस बर्तन में क्या डालें बताओ, समोसे डाल दें, ओम करके डाल दो। ओमकार को नहीं डाल सकते, गैस डालना पड़ेगा ना, इधर देखो, हाँ ये एक बर्तन है, ध्यान से सुनना, इस बर्तन का मान लो वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर, वॉल्यूम कितना, हम पहले V1 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, V1, वॉल्यूम है 10 लीटर, हमने इसमें 10 लीटर गैस डाल दिया, जो क्या प्रेशर अप्लाई कर रहा है उस वक्त, प्रेशर है P1 इज इक्वल्स टू मान लो 10 ATM, कितना है, 10 ATM, बताओ कोई दिक्कत, नहीं नो सर। कोई दिक्कत नहीं, अभी गैस यहां तक है, कुछ देर के बाद हमने इसको धक्का दिया कि चल भाई नीचे चल, है ना, और धक्का देके इसको क्या किया, यहां पे लेके आ गए, यहां पे लेके आ गए, अब वॉल्यूम ये जो ऑक्यूपाई कर रहा है ना नीचे, वो मान लो 5 लीटर, कितना कर रहा बच्चों, V2 इज इक्वल्स टू 5 लीटर, कितना है, 5 लीटर, और मान लो प्रेशर कितना हो गया इसका, P2 मान लो हो गया 20 ATM, कितना हो गया, प्रेशर बढ़ गया ना, एक बात बताओ, जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ गया, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इधर जो इक्वेशन लिखा हुआ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, और हमने लिखा P इज इक्वल्स टू के बाई V, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट P इंटू V इज इक्वल्स टू के, हाँ या ना, अगर टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट है तो, किसी भी हालत में ध्यान से सुनो, अगर आपने टेम्परेचर और मोल को अपने कांस्टेंट कर दिया है तो P इंटू V हमेशा एक कांस्टेंट होगा, यहाँ पे देखो वही गैस वही टेम्परेचर सब कुछ सेम है, तो P इंटू V कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 100, और यहाँ भी P इंटू V कितना आ रहा है, 100, मैं ये बोल रहा हूँ वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे क्या कम हुआ और प्रेशर ज्यादा हुआ, बट दोनों का मल्टीपल क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है, P इंटू V भले ही चेंज हो जाएगा हाँ बट कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, गॉट इट या नहीं गॉट इट, सर। बताओ, गॉट तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसका अर्थ ये हुआ दैट P इंटू V इज इक्वल्स टू K, और अगर ऐसा है, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है तो हम इसी से ये भी लिख सकते हैं दैट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि P2 V2 भी के ही आ रहा है और P1 V1 भी के ही आ रहा है, नहीं समझ में आया क्या, आया नहीं नहीं। आया, देखो मैं बोल रहा हूं जब आप P1 इंटू V1 करोगे तो कितना आता था वैल्यू के, यानी 100 आया था, और जब आप P2 इंटू V2 कर रहे थे तो भी कितना आया था के, जो कि 100 आ रहा था, तो क्या मैं इसको P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 नहीं लिख सकता, दोनों का वैल्यू के ही तो है, 100 ही तो है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बॉयल्स लॉ को हम अपने भाषा में अभी लिखने वाले हैं जानबूझ के, है ना, बॉयल्स लॉ को जैसे उन्होंने बताया ना वो कभी काम नहीं आने वाला है, ऑलवेज जो काम आएगा अपने अपने पास, वो कौन सा काम आने वाला है इक्वेशन, वो हमेशा यही काम आने वाला है, P इंटू V इज इक्वल्स टू K, तो कुछ भूल जाओ या नहीं बट ये हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से बहुत सारा ग्राफ बनाने वाले हैं, इसी से सब कुछ करने वाले हैं, तो बॉयल्स लॉ का अर्थ क्या हुआ, अब हमारे लिए बॉयल्स लॉ का अर्थ हुआ कि P इंटू V का मल्टीपल, P इंटू V का मल्टीपल, हिंदी में ही लिखते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं सर। ऑलवेज कांस्टेंट होता है, योगेश कोई दिक्कत तो नहीं, कांस्टेंट होता है, नहीं सर। ठीक है, होता है एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, सही बात है कि नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, कोई दिक्कत इसमें, नो दिक्कत, नो दिक्कत सर। ठीक है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होने वाला है, अगर आइडियल गैस है, अगर गैस आइडियल है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये कंसेप्ट यूज कर लेते हैं मोल वाला, देख रहे हो एन आई पहले जो इनिशियल मोल था
गैस का इज इक्वल्स टू फाइनल मोल था, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते, देखो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, हमने अभी पढ़ा था ना, बताए थे बार बार, तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आरटी बाई पीवी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ भी पीवी यानी मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टेंट ही तो हुआ, सॉरी उल्टा मैंने लिखा, आरटी नीचे आएगा, आरटी नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन आई इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इंटू वी बाई आर टी, हाँ कि ना, और पीवी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, के कॉन्स्टेंट, तो वही कहानी है, वही कहानी है। मैं लिख दूँ ये भी चीज है या छोड़ दूँ, दीजिए लिख सर। ही देता हूँ है ना, और मैं लिख देता हूँ देखो, और आइडियल गैस, अब आइडियल गैस क्या होता है वो सब इसी चैप्टर में पढ़ोगे। क्या स्क्रीन शेयर किया है, स्क्रीन शेयर की है क्या व्हाइट बोर्ड? हाँ, मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर लो अगर नहीं दिख रहा है तो। मैं बोल रहा हूं इनिशियल मोल, इनिशियल अमाउंट ऑफ गैस, इनिशियल अमाउंट ऑफ गैस इज इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट ऑफ गैस, क्या दोनों सेम रहेगा, क्योंकि अमाउंट हमने कांस्टेंट रखा है। देखो सभी लोग भाई, एन देखो ना कांस्टेंट है यहाँ पे, तो पहला और दूसरा दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा मोल। अरे भाई कोई बोल ही नहीं रहा, मोल बराबर होगा या नहीं होगा होगा? यस, और सर, हम जानते हैं पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी, और अगर एन बराबर है तो एन बराबर हम क्या लिखते हैं, एन इनिशियल इज इक्वल्स टू एन फाइनल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और अगर ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं दैट P इंटू वी या P1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू R इंटू T। और तुम एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, T भी क्या है, कांस्टेंट, R क्या है, एक गैस कांस्टेंट, तो क्या P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 नहीं हो गया फिर से? अरे इसी बॉयल्स लॉ के लिए, चलो मैं एक काम हाँ करता हूँ फिर से लिखता हूँ, ध्यान से देखो, एन आई इज इक्वल्स टू एन एफ लिख दिया ना, नेक्स्ट स्लाइड में लिखो, एन आई इज इक्वल्स टू एन एफ इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा P1 V1 अपॉन R इंटू टी इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन R इंटू टी, क्या R इंटू टी कट जाएगा, गैस कांस्टेंट और ये कटेगा क्योंकि हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो क्या P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 आ गया, यस ऐसे भी आ गया वैसे भी आ गया, दोनों तरीके से ये चीज सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे भी प्रूव हो रहा और केव से भी प्रूव हो रहा है, बोलो कोई दिक्कत, नो मुझे नहीं लगता कोई नो दिक्कत हुआ सर, होगा नो इसमें, सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक छोटा सा सवाल ले ले क्या, तुम बोलोगे हाँ ले लीजिए, हाँ क्या दिक्कत है, आओ छोटा सा सवाल ले लेते हैं, मेरे साथ जल्दी से सवाल लिखना सभी लोग, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट, एंड 730 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर, थ्री एट्टी मिली लीटर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, वॉज कलेक्टेड, क्वेश्चन लिख रहे हो ना, यस सर, ओके, इफ द टेम्परेचर इज, इफ द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, एक सेकेंड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ नहीं, व्हाट वॉल्यूम विल द, ऑक्सीजन ऑक्यूपाई एट 760 mm प्रेशर, पहला सवाल है मैं सॉल्व कर दूं या तुम लोग कोशिश करना चाहोगे, कोशिश कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के 365 मिलीलीटर,
दूसरा ऑप्शन 2 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन 1, बाथरूम में है, श्रुतिका ऑडियो तो कनेक्टेड की नहीं है, श्रुतिका फिर बहती क्यों है क्लास में, सिर्फ देख रही है। ठीक है, मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा। लंबा चौड़ा मेथड बताए या यूनिवर्सल मेथड? यूनिवर्सल बताइए तो। हम ऐसा मेथड बताएंगे जो तुमको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगा। बताएं कंफ्यूज मेथड बताएं। वैसे ये सवाल AIPMT 1999 का है, मैं तुम्हें बता दूं ये किसका है। AIPMT 1999, 1999 बताएं बताएं मेथड बताएं। बताओ। क्या यहाँ पे किसी मोल वोल का बात किया है कि मोल चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है? नहीं जब मोल का इसने बात नहीं करा तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, वही फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख ले अपने पास डेटा क्या क्या है। तो डेटा यहाँ पे है 730 mm प्रेशर, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम दिया है 380 मिलीलीटर और 760 mm प्रेशर दिया है। ठीक है, तो प्रेशर को एमएम में दिया है तो एमएम में ही रखते हैं क्योंकि दोनों एमएम में ही दिया है, देख रहे हो ना, तो चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, P1 पहले लिखते हैं, P1 प्रेशर कितना है, P1 मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ब्लू कलर से। P1 प्रेशर कितना दिया है, 730 mm। देखो सवाल क्या कह रहा है, पहले मैं बता देता हूँ, सवाल कह रहा है कि 25 डिग्री जब तापमान था तो 730 mm का प्रेशर अप्लाई कर रहा था कौन, 380 मिलीलीटर का ऑक्सीजन। लेकिन जब उसका प्रेशर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम कितना हो गया उसी ऑक्सीजन का, अगर टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया तो हम बोलेंगे ठीक है बता देते हैं। P1 730 है, V1 कितना है, V1 है 380, कितना है 380 ml, तो ml में ही रखते हैं, ऑप्शन भी ml में है, सब कुछ ml में, तो कोई कन्वर्जन का जरूरत ही नहीं। इसके अलावा P2 कितना दिया है, P2 दिया है 760, P2 दिया है 760 mm, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और V2 अपने से पूछा है, क्या क्या V2 अपने से पूछा, तो क्या इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ, हाँ क्या गैस सेम है या गैस चेंज कर दिया, गैस सेम है, गैस को चेंज नहीं सेम किया है। है। ठीक है, क्या मोल भी सेम है, जब कुछ दिया ही नहीं है तो मोल सेम है, टेम्परेचर जैसे ही इसने कांस्टेंट कर दिया, यानी बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, बॉयल लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी मोल भी कांस्टेंट, जब मोल भी कांस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे, एन आई इज इक्वल्स टू एन एफ, और एन आई का मैंने क्या बताया था, देखो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा पी आई वी आई अपॉन आर इन टू टी इज इक्वल्स टू पी एफ वी एफ, है ना, इज इक्वल्स टू आर इन टू टी। वैल्यू पुट कर दो, टेम्परेचर और आर, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट सेम गैस के लिए सेम होता है, तो कट हो गया, तो पी आई वी आई यानी P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 हो जाएगा, और अपने को निकालना क्या है, V2 निकालना है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2, आया ना। वैल्यू पुट करो, P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू 730, V1 का वैल्यू कितना है 380, और इसका वैल्यू कितना है P2 का 760, कितना 60। कट करो भाई, आओ कट करते हैं, 380 को कट करो तो ये मुझे लगता है 2 से कट जाएगा, देखो ये 2 से कट जाएगा, कटेगा ना, और 730 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, उधर हो गया 350 और 15 यानी 365, 365 आंसर सही है। बोलो कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सही बनाया बंदे ने, हाँ सर।
सभी को समझ में आया? योगेश दादा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? हाँ सर समझा। समझा? तो एक और हो जाए दोस्तों, एक और, है ना? ये हाँ सवाल सर। नाइनटीन यस नाइनटी सर। फाइव का है ना, सब पुराने जमाने का सवाल। आओ एक और सवाल ले लो जल्दी से। आर्यन, बाउंस किया तुम्हारे ऊपर से। सिक्स हंड्रेड सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 750 mm इज कंप्रेस्ड टू 500 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना? यानी सेंटीमीटर क्यूब बताए थे ना, वही है। सेंटीमीटर क्यूब नहीं बताए थे, ऐसे करके वही है वॉल्यूम, क्यूबिक हाँ सेंटीमीटर। टेकिंग द टेम्परेचर टेकिंग द टेम्प मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर टू रिमेन कॉन्स्टेंट द इंक्रीज इन प्रेशर इज। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे, देखना। नाइनटीन नाइनटी फाइव का सवाल है। हाँ बताइए, ऑप्शंस दे दें। हाँ ऑप्शन दे दें। 150 mm, दूसरा खुद से सॉल्व करो जल्दी, और इसके लिए मैं घड़ी देख के 2 मिनट बहुत ज्यादा, 1 मिनट दूंगा। 250 mm, क्योंकि प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। बताओ। हो गया? सर 350 350 सभी का आया है, 350। मेरा आया है। बाकी बच्चे? अच्छा, हाँ आओ देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पहले गैस का प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम कितना था? V1 था 600 cc, है ना? 600 cc था ऑफ अ गैस एट अ प्रेशर कितना? प्रेशर 750। P1 कितना था? 750 mm था कि नहीं था, बोलो बोलो। हाँ सर। अब V2 कितना बताया है? V2 इसने बता दिया है, V2 कर दिया 500 cc। कितना किया? 500 cc। और हमसे पूछ लिया P2। और तापमान क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है? क्या वही फॉर्मूला लगा दे, Ni इज इक्वल्स टू Nf? बोलो सभी लोग। तो हाँ हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, Ni इज इक्वल्स टू Nf। तो ये हो जाएगा P1 इंटू V1 अपॉन R इंटू T इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2 अपॉन R इंटू T। ये सब कट गया, सब कट्टम कुट्टी। तो हमारे पास बचता है क्या निकालना है हमें? हमें P2 निकालना है ना। तो P2 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैं लिख दूं, P2 इज इक्वल्स टू P1 इंटू V1 अपॉन V2 लिख दूं, और वैल्यू पुट करो। P1 का वैल्यू कितना है? 750 इंटू V1 है 600 cc। देखो मैं सीसी को चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों सीसी में है, तो सीसी सीसी कट जाएगा इस वजह से। तो आओ कट करते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 15, 15 5 75 होता है ना, तो 15 15 6 90, यानी 900 हो गया। कितना हो गया P2? 900। कितना हो गया? 900 mm। लेकिन सवाल जो छुपा हुआ है ना, वो सवाल ये नहीं है, इसीलिए हम बोले गलत खेल जाओगे।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब चेक करता है। इसने पूछा है इंक्रीज, क्या पूछा है देख लो ध्यान से, इंक्रीज इन प्रेशर। अभी प्रेशर कितना हो गया V2 जब किए, तो प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर हो गया 900 mm, तो इंक्रीज कितना हुआ, तुम बोलोगे पहले था 750, अब हो गया 900, है ना, तो इंक्रीज कितना हो गया, 150। इंक्रीज हो गया 900 माइनस 750, ये हो गया 150 mm इंक्रीज किया। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ये वाला, बोलो समझ आया, सवाल कहाँ से पूछ लिया था, समझ आ गया ना। हाँ सर। बहुत अच्छी बात। एक और सवाल है जो बहुत खूबसूरत सा सवाल है, और ये लगभग हर टीचर बताता है, हर टीचर पूछता है और सारे टीचर इसको बताते हैं, तो उस सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।